अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब लोग ठीक हैं जनाब? आज मैं आपको कोरंगी मेन रोड 2 नंबर बाज़ार लेकर के जा रहा हूं। मैंने कहा आज आपको फ़िश जो है वो उसका नज़ारा कराते हैं कि यहां पे कितनी शानदार फ़िश मिलती है, क्योंकि मैं तो अमूमन यहां से फ़िश ख़रीदने के लिए आता हूं और अपने घर के लिए यहीं से लेता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको भी ये पसंद आएगी फ़िश, और जब पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो जनाब तो फिर आओ और इन्जॉय करो मेरे साथ, मैं आपको फ़िश दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो फिंगर फिश जो है और साबुत फ़िश जो है उसकी कटिंग किस तरह से होती है और किस तरह से उनके मसाले घर के तैयार होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी वीडियो, तो आओ और इन्जॉय करें। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और दोस्तों, आप सबको सलमान सईद का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं आपके लिए 2 नंबर की मरहबा फ़िश दिखाने के लिए आया हूँ। ये आप देखें कितनी शानदार इनके पास फ़िश होती है, और अक्सर मैं यहाँ से फ़िश जो है वो परचेज़ करता हूँ। मुझे तो बहुत लाजवाब लगती है और आपको भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगेगी। ये हमारे भाई जो है ये बड़ी साफ़ सुथरी और बेहतरीन किस्म की फ़िश जो है वो यहाँ पे फ्राई करके और शामी कबाब और जनाब इसके रोल जो है वो तैयार करते हैं, तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगेगी जब आप यहाँ आए मेन कोरंगी रोड 2 नंबर मेन बाज़ार के साथ मेन रोड के ऊपर इनका स्टॉल होता है जहाँजे भलीम के बिल्कुल साथ। तो इंशाल्लाह आप यहाँ आइएगा और विज़िट कीजिएगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि कितनी शानदार इनकी फ़िश होती है। मछली बेहतरीन होती है, बेहतरीन जायका, और कई किस्म की मछलियाँ मिलती हैं और फिंगर फ्राइज़ का तो उनका कोई जवाब ही नहीं होता। तो मेरे दोस्तों आप ज़रूर आएँ, ट्राई करें इनकी फ़िश को, बहुत बेहतरीन फ़िश होती है, कबाब भी होते हैं और रोल भी होते हैं फ़िश के। ये देखें जनाब, ये देखें, आपको मेरी वीडियो पसंद आए और यकीनन आएगी पसंद, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये इनकी स्टॉल का व्यूज़ है जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप देखें। और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, मैं ख़ुद यहाँ से जो है वो फिश जो है परचेज़ करता हूँ इनकी फिंगर प्राइस। ये देखें ये फिंगर फिश जो है वो इनकी बहुत लाजवाब होती है, बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी क्वालिटी की होती है, और बेहतरीन जो है वो इसका जायका है और इनकी मसाले और चटनियाँ। ये देखें, ये इन्होंने चटनी पैक की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इनकी ये जी भाई, ये प्योर फिश का कबाब है। मोहम्मद उसामा भाई यहाँ पे होते हैं, ये मोहम्मद उसामा भाई जो है यहाँ पे इसको जो है वो सुपरवाइज़ करते हैं। उसामा भाई ये जो रखे हैं कबाब, इसके बारे में कुछ बताइए। ये सर हमारा कबाब जो है प्योर मछली का होता है। जी जी, मतलब जो है इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, और इंशाल्लाह जब आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको इसके मेयार का पता चलेगा। और ये शामी कबाब भी रखे हुए हैं। हाँ, ये शामी कबाब जो होता है ये फिश और चने की दाल मिक्स होता है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। इस मछली के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी जो मछली है वो कौन सी चलती है? सर वैसे लोग तो जो है ज़्यादा जो पसंद करते हैं वो फिंगर फिश पसंद करते हैं। मैं खुद फिंगर फिश लेता हूँ, जब आता हूँ तो फिंगर फिश लेता हूँ। फिंगर फिश का ये हिसाब होता है कि कांटे वगैरह का सिलसिला नहीं है उसमें। हाँ, अंधेरे में बैठ के खाओ, बिल्कुल ऐसे आपका दिल करे वैसे खाओ। हाँ, और इंशाल्लाह आपको हमारे पास जो है मेयार बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा। ऑयल वगैरह देखें आप, हाँ बिल्कुल, ये देखें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा रेगुलर चेंज होता है इनका ऑयल, मतलब एक दिन यूज़ होने के बाद दूसरे दिन यूज़ नहीं होता। नहीं तो अमूमन जो होता है कि वो जो है वो दो दो तीन तीन दिन जो है वो ऑयल को चलाते रहते हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है सेंटर गंगी में मछलियाँ होती, सेंटर गंगी में ये देखें दोस्तों, ये देखें कि फिश की कटिंग कर रहे हैं और कितने शानदार तरीके से इसको कट करेंगे और फिर इसको फ्राई के लिए डालेंगे। इसका बारीक वाला कांटा निकाल दिए। जी जी, इसका बीच सेंटर से जो है वो बारीक कांटा निकल जाता है और आप फ्राई होने के बाद इसको बहुत आसानी खा सकते हैं, आपके मुंह में कोई कांटा नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। ये देखें जी, कढ़ाई में जा रहे हैं
और अच्छा फिश के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, मैं फिश के बारे में ये बता रहा था कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ मछली होती है सीजन वाइज। जी जी जी, जैसे सीजन मछली का होता है वैसे हमारे पास मछली आती है। अभी देखें, ये पुंद आया हुआ हमारे पास वाइट पुंद, बिल्कुल। और एक ये मछली है। तो ये उसामा भाई का फिश का स्टॉल है, आपने इनसे ये मछली की क्वालिटी के बारे में भी जो है वो उसामा भाई ने बताया है। और ये सब जो है वो हमारे भाई यहाँ पे मौजूद होते हैं, जब भी आए मेन कोरंगी रोड 2 नंबर मेन बाज़ार के ऊपर, मेन रोड के ऊपर इनका स्टॉल होता है, और जहाँ से भलीम के बिल्कुल बराबर में। इंशाल्लाह आप आएंगे और आपको ये मछली बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से तैयार करके देंगे। इनकी चटनी मसाले बहुत आला अपने घर के तैयार किए हुए होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्त को इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आएँ, इंजॉय करें और भरपूर तरीके से इंजॉय करें। बेहतरीन किस्म की फ़िश आपको यहाँ से मुहैया होगी। ये हमारे उसामा भाई हैं और ये और आप जनाब अब्दुल करीम भाई हैं, और ये हमारे चपाती वाले मास्टर, ये चपाती बनाते हैं माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जो है वो मुलाकात होगी। अब इस अच्छी सी वीडियो के साथ जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए सलमान सईद का। आप सबको अस्सलामुअलैकुम।